बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। तैमूर के जन्म के बाद भी करीना को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो एक बच्चे की माँ है। करीना अक्सर अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने निकल जाती हैं। अपने बेटे तैमूर के जन्मदिन पर भी बेबो मालदीव छुट्टियां मनाने गई थी, जहां उनकी बिकनी वाली फोटोज खूब वायरल हुई थी। फोटो में करीना पिंक कलर की बिकनी पहने नजर आई थी। हालांकि फैंस को उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया और करीना को बिकनी पहनने देने के लिए लोगों ने सैफ को ट्रॉल करना शुरू कर दिया था। लोगों ने सैफ की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने कैसे करीना को बिकनी पहनने दी। वहीं इस पूरे वाक्य पर हाल ही में करीना ने अरबाज खान के शो में इसका जवाब दिया। करीना ने कहा कि सैफ कौन है जो मुझे बिकनी पहनने से रोकेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता ऐसा है कि सैफ मुझे कभी बताएंगे कि आपने बिकनी क्यों पहनी या ऐसा क्यों कर रही हो। मुझे लगता है कि हम एक बेहद जिम्मेदार रिलेशन में हैं। सैफ मुझ पर भरोसा करते हैं और अगर मैंने बिकनी पहनी है तो जाहिर तौर पर इसके पीछे वजह होगी। इसी इंटरव्यू में करीना ने ये भी कहा था कि लोगों को सेलेब्स की निजी जिंदगी पर कमेंट करना बंद कर देना चाहिए, आखिर वो भी इंसान है और उनके अंदर भी भावनाएं हैं। इससे पहले भी करीना को बेटे तैमूर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रॉल किया गया था। करीना को सोशल मीडिया पर खराब माँ के नाम से ट्रॉल किया गया। हालांकि उन्होंने इस चैट शो में ट्रॉलर्स को जबरदस्त करारा जवाब दिया। वहीं इस चैट शो में करीना ने इसका भी खुलासा किया कि क्यों वो सोशल मीडिया पर नहीं है। करीना ने कहा कि भले ही वो सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन वो सब खबर रखती हैं, उन्हें सब कुछ मालूम होता है। वहीं इसके बाद जब अरबाज ने बेबो से पूछा कि क्या सोशल मीडिया पर उनका फेक अकाउंट है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, सच कहूं तो इसे फेक नहीं कहा जा सकता, ये असली है, पर मेरी एक अलग पहचान के साथ, एक अनजानी पहचान। वही करीना की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो जल्द ही वो फिल्म तख्त और गुड न्यूज में नजर आने वाली है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।